दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक फेमस फ्रेंचाइज पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन को। ये कहानी है जैक स्पैरो की। कप्तान जैक स्पैरो ज्यादा बेहतर है। ओके कैप्टन जैक स्पैरो की, जिसे उसके ही साथियों ने धोखा दिया और उससे उसका जहाज छीन लिया। अब जैक स्पैरो कैसे उनसे बदला लेगा, चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी शुरू होती है और हम इंग्लैंड के एक समुद्री जहाज को देखते हैं, जिस पर इंग्लैंड की प्रिंसेस एलिजाबेथ पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरों का गाना गा रही थी। तभी उसके पास गिब्स नाम का एक आदमी आता है। वो एलिजाबेथ को पायरेट्स का गाना गाने से मना करता है और कहता है कि अगर तुम ये गाना गाओगी तो पायरेट्स यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ अब इंग्लैंड का सेनापति नॉरिंगटन भी यहाँ पर आता है और एलिजाबेथ को गाना गाने से रोकता है। इस पर एलिजाबेथ उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि पायरेट्स काफी कमाल के होते होंगे। यहाँ एलिजाबेथ की बातों से हमें पता चलता है कि वो पायरेट्स को काफी पसंद करती है और उसे पायरेट्स से डर नहीं लगता। अब इसके बाद एलिजाबेथ का डैड भी यहाँ पर आते हैं और वो एलिजाबेथ को चुप करा देते हैं। यहीं फिर एलिजाबेथ को समुद्र में एक लड़का दिखाई देता है जो कि पानी में बह रहा था। एलिजाबेथ ये देखकर अपने डैड को और बाकी सभी को ये बताती है और ये सभी लोग मिलकर उस लड़के को अपने जहाज पर ले आते हैं। तभी इन सभी को उस लड़के का जहाज दिखाई देता है जो कि पूरी तरह से जल चुका था। यहाँ अब एलिजाबेथ उस लड़के से उसका नाम पूछती है। इस पर वो लड़का एलिजाबेथ को बताता है कि मेरा नाम विल टर्नर है। अब तभी वो बेहोश हो जाता है। यहाँ एलिजाबेथ को विल के पास एक सोने का लॉकेट दिखाई देता है जो कि पायरेट्स का होता है। ये देखकर एलिजाबेथ समझ जाती है कि विल पायरेट्स के साथ है, लेकिन यहाँ एलिजाबेथ ये बात किसी को भी नहीं बताती और विल के लॉकेट को अपने पास ही छुपा लेती है। अब कई साल बीत जाते हैं। आज सुबह एलिजाबेथ की जब नींद खुलती है तो उसे यही सपना आया था। एलिजाबेथ अपनी पुरानी यादों को याद करने लगती है और वो उठती है और विल के उसी लॉकेट को देखती है जो कि उसने विल के पास से लिया था। अब एलिजाबेथ उस लॉकेट को अपने गले में पहन लेती है। तभी एलिजाबेथ के पिता एलिजाबेथ के पास आते हैं और उसे कुछ कपड़े देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम ये कपड़े आज शाम को होने वाली पार्टी में पहनना, जहां उसी सेनापति नॉरिंगटन को एक मेडल मिलेगा। यहां एलिजाबेथ के डैड एलिजाबेथ की शादी नॉरिंगटन से कराना चाहते हैं। अब यहाँ पर एलिजाबेथ उन कपड़ों को पहनती है और उसके डैड के लाए हुए कपड़े उसके कुछ ज्यादा ही टाइट आते हैं, लेकिन एलिजाबेथ किसी तरह से उन्हें पहन लेती है। इस तरफ हम विल को भी देखते हैं जो कि एलिजाबेथ के डैड से मिलने आता है। विल बचपन में अपने साथ हुए उसी हादसे के बाद से इसी बंदरगाह पर रहने लगा और अब वो यहाँ पर लोहार का काम करता है। यहाँ विल एलिजाबेथ के डैड को अपनी बनाई हुई एक तलवार दिखाने लगता है। तभी एलिजाबेथ विल को देखती है और उसे देखकर एलिजाबेथ काफी खुश हो जाती है। वो विल को अपने कल रात के सपने के बारे में भी बताती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे। इस पर विल एलिजाबेथ से कहता है कि वो दिन मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। यहाँ इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन एलिजाबेथ शाही घराने से है और विल को तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ से आया है। खैर अब एलिजाबेथ के डैड एलिजाबेथ को विल के पास से ले जाते हैं। इसके बाद हम जैक स्पैरो नाम के एक पायरेट को देखते हैं जो एक नाव पर बैठा होता है। यहाँ जैक की नाव में पानी भरने लगता है, लेकिन जैक नाव के डूबने से पहले ही इसी बंदरगाह यानी एलिजाबेथ के देश में आ जाता है और एक दूसरे जहाज पर जाने लगता है। तभी दो सैनिक जैक को उसके जहाज पर जाने से रोकते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं। इस पर जैक इन दोनों सैनिकों को अपना गलत नाम बताता है और इन लोगों से ही बहस करता है और कहता है कि मैंने समुद्र में ब्लैक पर्ल जहाज को देखा है जो तुम्हारे जहाज से लाख गुना अच्छा है। यहाँ जैक ये सब बस सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए कह रहा होता है और अब जैक मौके का फायदा उठाकर एक जहाज पर चढ़ जाता है। मगर तभी वो दोनों सैनिक जैक पर गन पॉइंट कर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो। इस पर अब जैक इन्हें सच बताता है और कहता है कि मैं एक जहाज को लूटने के लिए यहाँ पर आया हूँ, लेकिन ये दोनों सैनिक अब जैक की सच बात को झूठ समझते हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉरिंगटन एलिजाबेथ से बात करता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करने ही वाला होता है, लेकिन तभी टाइट कपड़ों की वजह से एलिजाबेथ का दम घुटने लगता है और एलिजाबेथ बेहोश होकर पानी में गिर जाती है। यहाँ नॉरिंगटन एलिजाबेथ को बचाने के लिए पानी में नहीं कूदता और न ही कोई सैनिक पानी में जाता है। ये देख कर जैक तुरंत ही पानी में कूद जाता है। यही एलिजाबेथ के गले में पड़ा हुआ वही लॉकेट भी पानी में जाते ही एक अलग सी वेव निकालने लगता है। यहाँ जैक अब एलिजाबेथ को किसी तरह से बचाकर पानी से बाहर ले आता है और एलिजाबेथ को होश में लाता है। तभी जैक को भी एलिजाबेथ के गले में पड़ा हुआ वही लॉकेट दिखाई देता है, लेकिन इससे पहले कि जैक उस लॉकेट के बारे में एलिजाबेथ से कुछ पूछता, नॉरिंगटन यहाँ पर आ जाता है और एलिजाबेथ की जान बचाने के लिए जैक को थैंक्स बोलता है। लेकिन तभी नॉरिंगटन को जैक के हाथ पर टैटू दिखाई देता है, जिससे अब नॉरिंगटन जैक को पहचान जाता है और समझ जाता है कि ये तो मशहूर पायरेट जैक स्पैरो है और ये जानकर अब नॉरिंगटन जैक को बांधने लगता है। लेकिन तभी एलिजाबेथ उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि इसने मेरी जान बचाई है। यहाँ जैक भी इसी मौके का फायदा उठाता है और एलिजाबेथ को पकड़ लेता है और अपना सारा सामान वापस लेकर बड़ी ही होशियारी से यहाँ से भाग जाता है। यहाँ नॉरिंगटन के सैनिक जैक पर फायर भी करते हैं, लेकिन जैक उनसे आसानी से बच जाता है। इसके बाद कुछ सैनिक जैक का पीछा करने लगते हैं। तभी सैनिकों से बचने के लिए जैक एक लोहार की शॉप में आ जाता है। यहाँ एक आदमी ड्रिंक करके सोया हुआ था।
अब यहाँ पर जैक एक मशीन को देखता है और वो लोहे को गर्म करके गधे के साथ कुछ तो बहुत बुरा करता है, जिससे गधा तुरंत ही भागने लगता है और वो मशीन चलती है और जैक उसमें अपनी हथकड़ी फंसाकर उसे तोड़ लेता है। लेकिन अब तभी यहाँ पर विल भी आ जाता है। ये देखकर जैक छुप जाता है। यहाँ विल अपनी दुकान में जैक की कैप को देख लेता है और समझ जाता है कि उसके पीछे यहाँ पर कोई आया था। विल ये देख ही रहा था कि तभी जैक एक तलवार को विल के गले पर रखता है और यहाँ जैक जब पहली बार विल को देखता है तो उसे वो कुछ जाना पहचाना लगता है। अब इसके बाद जैक उसे शांत रहने के लिए कहता है और विल के पास से जाने लगता है, लेकिन तभी विल एक तलवार को उठा लेता है और जैक से अपने साथ फाइट करने के लिए बोलता है। यहाँ अब ये दोनों आपस में ही लड़ाई करने लगते हैं। यहाँ पर जैक विल के लड़ाई करने के तरीकों को देखता है और उसकी काफी तारीफ भी करता है, लेकिन जैक दोबारा से यहाँ से जाने लगता है। तभी विल फिर से जैक को शॉप से बाहर जाने से रोकता है। इससे अब जैक को भी गुस्सा आ जाता है। जैक विल पर फिर से हमला करने लगता है। यहाँ विल भी काफी अच्छी तरह से जैक का सामना करता है, लेकिन तभी जैक कुछ मिट्टी को विल की आंखों में डालता है और उस पर गन पॉइंट कर लेता है। मगर अब तभी वही सोया हुआ आदमी जागकर पीछे से जैक पर हमला करता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर नॉरिंगटन और उसके सैनिक भी यहाँ पर आ जाते हैं और ये सभी लोग जैक को पकड़कर एक जेल में डाल देते हैं। इस तरफ एलिजाबेथ नॉरिंगटन के शादी के प्रपोजल से काफी परेशान थी। तभी उसकी मैड उसके पास आती है और उसे कहती है कि विल आपके लिए ज्यादा अच्छा लड़का है। ये बात सुनकर एलिजाबेथ थोड़ी हैरान होती है, मगर अब एलिजाबेथ भी ये एक्सेप्ट कर लेती है कि वो विल से प्यार करने लगी है। इस तरफ नॉरिंगटन और एलिजाबेथ के डैड आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी मशहूर पायरेट्स का जहाज यानी कि ब्लैक पर्ल आ जाता है और इनके ऊपर हमला करने लगता है। यहाँ पर हम ब्लैक पर्ल के पायरेट्स को देखते हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक थे और यहाँ वो पायरेट्स एलिजाबेथ के पूरे शहर को लूटने लगते हैं और सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। ये देखकर अब विल भी इनसे फाइट करने लगता है। यहाँ एलिजाबेथ भी ये सब देखती है और काफी डर जाती है। तभी कुछ लुटेरे एलिजाबेथ के घर में आ जाते हैं और एलिजाबेथ को पकड़ने लगते हैं। एलिजाबेथ उन पायरेट्स से बचकर भागती है और एक रूम में छुप जाती है, लेकिन तभी दो पायरेट्स उसके रूम के डोर को तोड़ देते हैं और एलिजाबेथ से कहते हैं कि तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो हमें यहाँ पर खींच लाई है और हम उसे ही लेने यहाँ पर आए हैं। ये बात सुनकर अब एलिजाबेथ समझ जाती है कि ये पायरेट्स विल के उसी लॉकेट को लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन क्यों ये एलिजाबेथ को भी समझ नहीं आता। इसलिए अब एलिजाबेथ इन पायरेट से कहती है कि मुझे बातचीत करनी है और रूल्स के हिसाब से अब तुम्हें मुझे अपने कैप्टन से मिलवाना होगा। ये सुनकर अब ये दोनों पायरेट्स एलिजाबेथ को अपने जहाज पर ले जाने लगते हैं। तभी विल भी एलिजाबेथ को जाता हुआ देखता है। विल एलिजाबेथ के पास जाता, लेकिन इससे पहले ही एक पायरेट विल के सर पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। यहीं दूसरी तरफ एक बॉम्ब से अब महल में बनी जेल यहाँ पर टूटती है और सारे कैदी भाग जाते हैं, लेकिन जैक बेचारा यहीं पर फंसा रह जाता है। तभी कुछ पायरेट्स जैक के पास आते हैं और जैक को पहचान लेते हैं। वो उससे कहते हैं कि हमने तुम्हें तो पिछली बार एक वीरान आइलैंड पर छोड़ा था, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे आ गए। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जैक इन पायरेट्स को पहले से ही जानता है और ये सब जैक के वही दुश्मन हैं जिन्होंने जैक के साथ गद्दारी की। यहाँ अब एक पायरेट जैक का गला पकड़ता है, लेकिन तभी उसके हाथ पर चांद की रोशनी पड़ती है और उस पायरेट के हाथ की हड्डियाँ दिखाई देने लगती हैं, जो देखकर जैक समझ जाता है कि इन सभी पायरेट्स पर किसी तरह का श्राप लग चुका है, लेकिन वो क्या है ये कहानी में हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ वो पायरेट्स जैक को यहीं छोड़कर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलिजाबेथ भी ब्लैक पर्ल जहाज पर आ जाती है और इन सब पायरेट्स के कैप्टन बारबोसा से मिलती है। एलिजाबेथ कैप्टन से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ और मेरे लोगों पर हमला करना बंद कर दो। बारबोसा एलिजाबेथ की कोई भी बात मानने से साफ मना करने लगता है। ये देखकर अब एलिजाबेथ उसे अपना वही लॉकेट दिखाती है और पानी में फेंकने की धमकी देने लगती है। ये देखकर बारबोसा भी एलिजाबेथ की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और एलिजाबेथ से कहता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। इस पर एलिजाबेथ बारबोसा से झूठ बोलती है और कहती है कि मेरा नाम एलिजाबेथ टर्नर है। एलिजाबेथ का सरनेम टर्नर सुनकर बारबोसा और उसके साथी भी हैरान रह जाते हैं और एलिजाबेथ को अपने पुराने साथी टर्नर की बेटी समझते हैं। यहाँ अब बारबोसा एलिजाबेथ से वो कॉइन मांगता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे शहर को छोड़ दूंगा। ये बात सुनकर अब एलिजाबेथ बारबोसा को वो कॉइन दे देती है। इसके बाद बारबोसा एलिजाबेथ के शहर को छोड़ देता है, लेकिन वो एलिजाबेथ को अपने साथ ही ले जाने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें छोड़ने की बात तो कही ही नहीं थी। इस तरफ सुबह अब विल नॉरिंगटन के पास आता है और उससे ब्लैक पर्ल जहाज को ढूंढने के लिए बोलता है। तभी एक सैनिक विल को बताता है कि जैक ये जानता है कि ब्लैक पर्ल कहाँ गया होगा, क्योंकि वो हमसे ब्लैक पर्ल के बारे में कल बात कर रहा था। ये बात सुनकर विल जैक के पास जाता है और उसे अपने साथ ब्लैक पर्ल जहाज पर ले जाने के लिए बोलता है। विल जैक को एलिजाबेथ के किडनैप होने के बारे में बताता है, लेकिन यहाँ पर जैक विल के साथ जाने से मना करने लगता है। जैक यहाँ पर विल से उसका नाम पूछता है। इस पर अब विल जैक को बताता है कि मेरा नाम विल टर्नर है और विल का पूरा नाम सुनकर जैक भी हैरान रह जाता है। वो तुरंत ही विल के साथ चलने के लिए मान जाता है। इसके बाद विल जैक को जेल से बाहर निकालता है और अब ये दोनों किसी तरह से एक बड़े से जहाज पर चढ़ जाते हैं और उस जहाज की मदद से यहाँ से भागने लगते हैं।
ये देखकर नॉरिंगटन जैक और विल को बेवकूफ समझता है और सोचता है कि विल और जैक अकेले उस बड़े जहाज को नहीं चला सकते। और अब नॉरिंगटन अपने दूसरे समुद्र के सबसे तेज जहाज से जैक और विल के जहाज पर हमला करने लगता है और इन दोनों के जहाज पर आ जाता है। तभी विल और जैक उस तेज जहाज पर चढ़ जाते हैं और उसे लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। और ये देखकर नॉरिंगटन ये समझ जाता है कि यही इन दोनों का प्लान था। अब यहाँ जहाज पर आने के बाद विल जैक से पूछता है कि आखिर तुम मेरा नाम जानने के बाद ही मेरे साथ क्यों आए, क्या तुम मेरे डैड को जानते हो। इस पर अब जैक विल को बताता है कि मैं तुम्हारे डैड को जानता था और मैं भी तुम्हारे डैड की तरह ही एक पायलट था। पायलट का नाम सुनकर विल को जैक की बातों पर यकीन नहीं होता। विल कहता है कि मेरे डैड पायलट नहीं हो सकते। तभी जैक विल को समझाता है और कहता है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी नजरों में चाहे जो भी हो लेकिन असल में वो एक पायलट थे। यहाँ हमें इनकी बातों से पता चलता है कि बारबोसा भी इसीलिए एलिजाबेथ को अपने साथ ले गया है क्योंकि वो एलिजाबेथ को विलियम टर्नर यानी कि विल के डैड की बेटी समझ रहा है। अब यहाँ जैक विल को एक आइलैंड पर लेकर आता है और अपने एक पुराने साथी के पास जाता है जो कि वही आदमी गिब्स होता है जो पहले एलिजाबेथ के साथ रहता था। यहाँ जैक गिब्स से कहता है कि मैं ब्लैक पर्ल जहाज को ढूंढने जा रहा हूँ और इसीलिए मुझे तुम और तुम्हारे साथियों की जरूरत है। साथ ही यहाँ पर जैक गिब्स से कहता है कि ये लड़का जो मेरे साथ यहाँ पर आया है वो विलियम टर्नर का एकलौता बेटा है और हम इसी की मदद से बारबोसा से अपनी सारी मांगे पूरी करा सकते हैं। ये सुनकर अब गिब्स जैक के साथ चलने के लिए मान जाता है। इस तरफ अब बारबोसा एलिजाबेथ के साथ डिनर करता है। यहाँ एलिजाबेथ बारबोसा से कहती है कि जब मैंने तुम्हें ये कॉइन दे दिया है तो तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे। ये सुनकर बारबोसा अब एलिजाबेथ को बताता है कि ये कॉइन कोई आम कॉइन नहीं है, ये एस्टेक का सोना है। यहाँ बारबोसा एलिजाबेथ को बताता है कि कोर्टेस नाम के एक पायलट को एस्टेक पर हमला ना करने के लिए ऐसे कॉइन्स का एक बॉक्स दिया गया था जिसमें 882 कॉइन्स थे। साथ ही बारबोसा एलिजाबेथ को बताता है कि उस कोर्टेस ने कॉइन्स लेने के बाद भी एस्टेक पर हमला करना बंद नहीं किया और इसी वजह से गॉड ने इन कॉइन्स पर एक भयानक शाप डाल दिया जिसमें अगर कोई भी इंसान इन कॉइन्स को लेता है तब उसे दुनिया के खत्म होने तक सजा मिलती है और वो शापित हो जाता है। साथ ही बारबोसा एलिजाबेथ को बताता है कि मैंने ये सारी कहानी झूठ समझी थी और उन सोने में से काफी सारे कॉइन्स को अपने साथियों के साथ मिलकर खर्च कर दिया था, फिर जिसके बदले में हम सभी लोग शापित हो गए और अब हम किसी भी चीज का एहसास नहीं कर सकते। यहाँ बारबोसा एलिजाबेथ को बताता है कि उस शाप से मुक्त होने के लिए हमने सारे कॉइन्स वापस उसी बॉक्स में डालने का फैसला किया और अब हमें तुम्हारी मदद से वो आखिरी कॉइन भी मिल गया है। साथ ही बारबोसा एलिजाबेथ को बताता है कि उस शाप से मुक्त होने के लिए हमें टर्नर के खून यानी कि तुम्हारे खून की भी जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर एलिजाबेथ काफी घबरा जाती है। वो बारबोसा पर एक चाकू से हमला करती है और बारबोसा के चाकू मार देती है लेकिन उससे बारबोसा को कुछ भी नहीं होता। इससे एलिजाबेथ अब समझ जाती है कि बारबोसा सच में शापित हो चुका है और वो अब मर नहीं सकता। एलिजाबेथ यहाँ से भागती है तभी उसे बारबोसा के सारे पायलट्स दिखाई देते हैं जो कि चांद की रोशनी में कंकाल बन चुके थे। ये देखकर अब एलिजाबेथ काफी डर जाती है। तभी बारबोसा एलिजाबेथ को बताता है कि चांद की रोशनी हमें हमारे असली रूप में ले आती है जिसमें हम ना ही मरे होते हैं और ना ही हम पूरी तरह से जिंदा होते हैं और ये सारा श्राप उन कॉइन्स को खर्च करने की वजह से ही हुआ है। इस तरफ अब जैक और विल भी बारबोसा और ब्लैक पर्ल जहाज तक पहुंचने के लिए एक टीम बनाते हैं और यहाँ जैक अपना काम खत्म हो जाने के बाद अपनी टीम को ये पूरा जहाज देने का वादा करता है। ये सुनकर सभी लोग जैक का साथ देने के लिए मान जाते हैं और अब ये सभी लोग ब्लैक पर्ल जहाज को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ जैक को ये अच्छी तरह से पता होता है कि वो जहाज मौत के आइलैंड पर ही गया होगा इसलिए ये लोग भी वहाँ पर जाने लगते हैं। इस तरफ बारबोसा भी एलिजाबेथ को लेकर उसी मौत के आइलैंड पर आ जाता है जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक होता है। यहाँ जैक भी किसी तरह से अपने खराब कंपास की मदद से ही मौत के आइलैंड के पास आ जाता है। यहाँ पर इन्हें काफी सारे टूटे हुए जहाज दिखाई देते हैं। यहाँ विल हैरानी के साथ गिब्स से पूछता है कि आखिर जैक इस आइलैंड के बारे में इतना कैसे जानता है। इस पर गिब्स विल को बताता है कि जैक पहले ब्लैक पर्ल जहाज का कैप्टन था लेकिन बारबोसा और उसके साथियों ने जैक को धोखा दिया और एक सुनसान आइलैंड पर मरने के लिए छोड़ दिया। गिब्स विल को बताता है कि जब जैक उस जहाज से निकला था तब उसे बस उसे एक गन और एक गोली दी गई थी ताकि उस आइलैंड पर जैक अकेला रहते रहते डिप्रेस हो जाए और खुद को ही गोली मार ले। लेकिन जैक किसी तरह से उस आइलैंड से निकल आया और उसने वो गोली बारबोसा को मारने के लिए आज तक बचाकर रखी हुई है। यहाँ अब विल ये सारी बातें जानने के बाद जैक के साथ बारबोसा से एलिजाबेथ को बचाने के लिए आने लगता है। तभी जैक गिब्स से पायरेट्स के नियम निभाने के लिए कहता है और विल के पूछने पर जैक उसे बताता है कि पायरेट्स में ये नियम होता है कि अगर कोई पायरेट पीछे छूट जाए तो दूसरे पायरेट्स को उसे छोड़कर ही आगे जाना होगा और अगर हम लोग यहाँ पर रह गए तो गिब्स इन सभी लोगों के साथ यहाँ से चला जाएगा। इस तरफ बारबोसा अपने शाप से आजाद होने लगता है। ये सब देखकर विल बारबोसा पर हमला करने जाने लगता है मगर तभी जैक उसे ऐसा करने से रोकता है और सही मौके का इंतजार करने के लिए कहता है मगर अब तभी विल जैक पर ही हमला करके उसे बेहोश कर देता है।
यहीं बारबोसा भी एलिजाबेथ के हाथ को चाकू से काटता है और उस लास्ट कॉइन पर एलिजाबेथ का खून लगाकर एस्टेक के खजाने में डाल देता है और सोचता है कि वो अब शाप से मुक्त हो गया होगा। तभी बारबोसा अपने एक साथी के गोली मारता है ताकि वो ये चेक कर सके कि इनका शाप खत्म हुआ या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर उसके साथी को कुछ भी नहीं होता और ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि ये लोग अभी भी शाप से मुक्त नहीं हुए हैं। ये जानकर अब बारबोसा समझता है कि एलिजाबेथ टर्नर की बेटी नहीं है और अब बारबोसा एलिजाबेथ से टर्नर के असली बच्चे यानी कि विल का पता पूछने लगता है, मगर एलिजाबेथ बारबोसा की बातों का कोई जवाब नहीं देती। इसी वजह से अब बारबोसा एलिजाबेथ के एक थप्पड़ मारता है जिससे एलिजाबेथ साइड में ही गिर जाती है। तभी विल एलिजाबेथ को लेकर यहाँ से भागने लगता है और अब सारे पायरेट्स ये देखकर इन दोनों का पीछा करने लगते हैं। तभी इन पायरेट्स को जैक दिखाई देता है जिसे जिंदा देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि इन्होंने तो जैक को मारने के लिए एक सुनसान आइलैंड पर छोड़ दिया था। इधर दूसरी तरफ विल अब एलिजाबेथ को लेकर अपने जहाज पर आ जाता है और ये लोग पायरेट्स के नियमों के हिसाब से जैक को यहाँ छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैक अब बारबोसा से बात करता है और उससे कहता है कि मैं विलियम टर्नर के असली बेटे को जानता हूँ। इस तरफ एलिजाबेथ भी अब जैक को उसका कॉइन वापस दे देती है जो कि वो अपने साथ उठा लाई थी और उसे देखकर जैक पहचान जाता है कि ये कॉइन तो उसका ही है। साथ ही जैक अब समझ जाता है कि बारबोसा को शाप से आजाद होने के लिए एलिजाबेथ का नहीं बल्कि उसका खून चाहिए। वहीं जैक भी बारबोसा से कहता है कि अगर तुम मुझे ब्लैक पर्ल जहाज वापस दे दो तो मैं तुम्हें विलियम टर्नर के असली बच्चे का नाम बता दूंगा। यहाँ जैक ये सारी बातें कर ही रहा था कि तभी बारबोसा और उसके सैनिकों को विल का जहाज दिखाई देता है। ये देखकर अब बारबोसा जैक को कैद करा देता है और विल के जहाज का पीछा करने लगता है। ये सब देखकर विल भी अपने लोगों से बारबोसा के साथ फाइट करने को कहता है। इसके बाद ये सभी लोग बारबोसा और उसके जहाज पर हमला करने के लिए तोपे तैयार करने लगते हैं। यहीं एलिजाबेथ गिब से अपने जहाज का ब्रेक लगाने के लिए कहती है और ऐसा करके ये सभी लोग अपने जहाज को ब्लैक पर्ल जहाज के एक साइड में ले जाते हैं और उन पर तोपों से हमला करने लगते हैं। यहाँ अब विल और सभी लोग काफी अच्छी तरह से इन पायरेट्स का सामना करते हैं। यहीं जैक भी अब किसी तरह से अपने आप को छुड़ा लेता है। वहीं विल को अपना कॉइन याद आता है और वो अपने कॉइन को लेने के लिए अपने जहाज के अंदर जाता है। इनके जहाज में अब नीचे से पानी भर चुका था और ये जहाज अब डूब रहा होता है। यहाँ विल अपने कॉइन को ढूंढ रहा था कि तभी बारबोसा के लोग विल के जहाज पर फायर करके उसे तोड़ देते हैं जिससे अब विल अपने जहाज के नीचे वाले फ्लोर पर ही अटक जाता है। यहीं बारबोसा के पायरेट्स अब विल के जहाज पर आने लगते हैं। वहीं जैक भी अब विल के जहाज के ऊपर आ जाता है और इन पायरेट्स पर हमला करने लगता है। इधर बारबोसा का बंदर उसी कॉइन को उठा लेता है और यहाँ से जाने लगता है। ऊपर जैक एलिजाबेथ से विल के बारे में पूछता है। ये सुनकर एलिजाबेथ को याद आता है कि विल तो नीचे उस कॉइन को लेने गया हुआ था और अब वो वहीं फंस चुका होगा। ये याद करके एलिजाबेथ विल के पास आकर उसे जहाज के नीचे से निकालने की कोशिश करती है लेकिन अब तभी उसे कुछ पायरेट्स पकड़ लेते हैं। यहीं विल अब पानी के अंदर डूबने लगता है। तभी कुछ पायरेट्स जहाज पर बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं जिसकी मदद से अब विल उस जहाज से बाहर निकल जाता है और अब वो ब्लैक पर्ल जहाज पर आ जाता है। यहाँ बारबोसा और उसके लोगों ने सभी लोगों को पकड़ लिया था। ये देखकर विल बारबोसा से कहता है कि उन सभी को छोड़ दो वरना विल अपने आप को गोली मारने की धमकी देता है। यहाँ विल बारबोसा को बता देता है कि मैं ही टर्नर का बेटा हूँ और अगर मैंने खुद को गोली मार ली तो तुम्हें टर्नर का खून कभी भी नहीं मिल पाएगा जिससे तुम हमेशा ही शापित रहोगे। यहाँ विल बारबोसा से एलिजाबेथ और जैक को छोड़ देने के लिए कहता है। ये सुनकर बारबोसा भी राजी हो जाता है और फिर ये लोग विल को पकड़ लेते हैं। लेकिन बारबोसा अब एलिजाबेथ को एक आइलैंड पर ही छोड़ने लगता है और कहता है कि मैंने कहा था कि मैं एलिजाबेथ को छोड़ दूंगा लेकिन ये बात नहीं हुई थी कि कहाँ पर छोड़ना है। अब इसके बाद बारबोसा जैक को भी उसकी गन देकर उसी आइलैंड पर भेज देता है। यहाँ अब आइलैंड पर आने के बाद एलिजाबेथ जैक से पूछती है कि आखिर तुम पिछली बार इस आइलैंड से कैसे निकले थे। इस पर जैक एलिजाबेथ को कुछ शराब की बोतलें दिखाता है और बताता है कि जब मैं पिछली बार इस आइलैंड पर आया था तब यहाँ पर कुछ लोग ड्रिंक छुपाने आए हुए थे और तब मैं उन्हीं के साथ इस आइलैंड से निकल गया था और यहाँ पर विल ने कई दिनों तक सिर्फ ड्रिंक ही करी थी इसी वजह से वो हमेशा ड्रंक लोगों की तरह रहता है। यहाँ अब एलिजाबेथ जैक से यहाँ से निकलने के लिए बोलती है मगर जैक यहाँ से निकलने से मना करने लगता है और खुद भी ड्रिंक करता है और एलिजाबेथ को भी ड्रिंक करने के लिए कहता है। इसके बाद रात के समय में एलिजाबेथ और जैक दोनों काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और यहाँ पर नाचते हुए गाना भी गाते हैं। लेकिन फिर जैक के सो जाने के बाद एलिजाबेथ सारी ड्रिंक्स की बोतलों को जला देती है और जब जैक ये देखता है तो वो एलिजाबेथ पर काफी गुस्सा करने लगता है। इस पर एलिजाबेथ जैक से कहती है कि मैं इतने बड़े देश की प्रिंसेस हूँ और मुझे पता है कि मेरे सैनिक इस बड़ी आग को देखकर मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर आएंगे। लेकिन यहाँ जैक को एलिजाबेथ की बातें ठीक नहीं लगती मगर अब तभी नॉरिंगटन और उसके सभी सैनिक एलिजाबेथ को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाते हैं और इस तरह एलिजाबेथ वापस अपने लोगों के पास आ जाती है। यहाँ एलिजाबेथ अपने डैड से विल को बारबोसा से बचाने के लिए कहती है लेकिन अब एलिजाबेथ के डैड और नॉरिंगटन विल को बचाने से मना करने लगते हैं। तभी एलिजाबेथ नॉरिंगटन से कहती है कि अगर तुमने विल को बचा लिया तो
तो मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करके तुमसे शादी कर लूंगी। ये बात सुनकर नॉरिंगटन तुरंत ही एलिजाबेथ की शर्त को मानता है और विल को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरफ अब विल बारबोसा के एक पायरेट से पूछता है कि क्या तुम मेरे पिता को जानते थे। इस पर अब वो पायरेट विल को बताता है कि तुम्हारे पिता हमारे साथ ही काम करते थे और हमने जब जैक को जहाज से निकाल दिया था तो उन्हें ये बात पसंद नहीं आई थी और उन्होंने हमसे लड़ाई भी शुरू कर दी थी, लेकिन वो सब कुछ बारबोसा को पसंद नहीं आया और इसीलिए बारबोसा ने उसे मार दिया। ये सब सुनकर विल को काफी गुस्सा आता है। यहीं अब जैक भी नॉरिंगटन और उसके साथियों को मौत के आइलैंड तक पहुंचा देता है और नॉरिंगटन से कहता है कि मैं अंदर जाकर बारबोसा के पायरेट्स को बाहर भेजूंगा और तुम उन्हें खत्म कर देना। ये बोलकर अब जैक अकेला ही आइलैंड के अंदर चला जाता है। इस तरफ बारबोसा भी अब शाप से मुक्त होने लगता है, लेकिन तभी जैक इनके सामने आता है और उसे दोबारा से जिंदा देखकर बारबोसा फिर से हैरान रह जाता है। यहाँ जैक अब बारबोसा को बताता है कि नॉरिंगटन और उसके सैनिक अपने जहाज के साथ तुम्हारा बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं और वो तुम्हें बाहर निकलते ही मार देंगे। यहाँ जैक बारबोसा से कहता है कि अगर तुम अभी बिना शाप से मुक्त हुए ही नॉरिंगटन और उनके लोगों पर हमला कर दो तो तुम लोग आसानी से उन्हें हरा दोगे और तुम लोग उनके जहाज पर भी कब्जा कर लोगे और फिर वो बड़ा जहाज भी तुम्हारा हो जाएगा। जैक कहता है कि इस तरह तुम्हारे पास दो जहाज हो जाएंगे और फिर हम दोनों मिलकर एक एक जहाज ले लेंगे और मैं अपनी लूट में से तुम्हें भी हिस्सा लेने दूंगा। जैक की ये सारी बातें सुनकर अब बारबोसा को जैक की बातें सही लगने लगती हैं। साथ ही यहाँ पर जैक बारबोसा से कहता है कि तुम अभी विल को मत मारो और पहले नॉरिंगटन के जहाज पर कब्जा कर लो और फिर आराम से शाप से मुक्त हो जाना। यही ये सारी बातें करते करते जैक एस्टेक के खजाने में से एक कॉइन को चुरा लेता है और विल भी ये सब देख लेता है। अब इसके बाद बारबोसा अपने सभी पायरेट्स को नॉरिंगटन के जहाज पर हमला करने के लिए भेज देता है और अब सारे पायरेट्स पानी के अंदर चलकर नॉरिंगटन के जहाज पर आने लगते हैं और यहाँ पर दो पायरेट लड़कियों की ड्रेस पहनकर नॉरिंगटन और उसके सैनिकों का ध्यान भटकाते हैं, जिससे उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके जहाज पर पायरेट्स आ चुके हैं। यहीं एलिजाबेथ भी अब यहाँ से भाग जाती है और वो आइलैंड के अंदर विल के पास जाने लगती है। इस तरफ सारे पायरेट्स अब नॉरिंगटन के जहाज पर आ जाते हैं और नॉरिंगटन के सैनिकों से फाइट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैक भी बारबोसा और उसके साथ आइलैंड पर रुके हुए पायरेट्स पर अचानक से हमला कर देता है और विल भी जैक के साथ मिलकर इन्हें मारने लगता है। यही एलिजाबेथ भी जैक को ढूंढती हुई ब्लैक पर्ल जहाज पर आ जाती है, जहां पर उसे गिब्स और उसके लोग कैद हुए दिखाई देते हैं। एलिजाबेथ उन्हें आजाद करने लगती है। वहीं नॉरिंगटन का एक सैनिक किसी तरह की एक बेल बजा देता है, जिससे अब नॉरिंगटन पायरेट्स को मारने के लिए वापस अपने जहाज पर आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जैक बारबोसा के पेट में एक तलवार घुसा देता है, लेकिन शाप की वजह से बारबोसा को कुछ भी नहीं होता। फिर बारबोसा भी जैक के पेट में एक तलवार मारता है, लेकिन अब जैक को भी कुछ भी नहीं होता। और क्योंकि जैक ने थोड़ी देर पहले एस्टेक के खजाने में से एक कॉइन चुरा लिया था, तो इसी वजह से वो भी शापित हो गया होता है। ये देखकर बारबोसा भी हैरान रह जाता है। अब यहाँ पर फिर से जैक बारबोसा से फाइट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विल भी काफी अच्छी तरह से पायरेट से फाइट करता है। इधर एलिजाबेथ भी गिब्स और उसके लोगों को आजाद करा देती है और उनसे मौत के आइलैंड पर चलकर विल को बचाने के लिए कहती है, लेकिन गिब्स और उसके साथी वहां जाने से मना करने लगते हैं और ब्लैक पर्ल जहाज को खाली देखकर उस पर अपना कब्जा कर लेते हैं। ये देखकर अब एलिजाबेथ अकेले ही विल के पास आने लगती है। यहीं नॉरिंगटन भी अब अपने जहाज पर वापस आ जाता है और सभी पायरेट्स को मारने लगता है। इस तरफ एक पायरेट विल को मारने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर एलिजाबेथ आकर विल को बचा लेती है और अब ये सभी लोग मिलकर बारबोसा के पायरेट्स को पीटने लगते हैं। यहाँ अब जैक अपने पास मौजूद कॉइन पर अपना खून लगाकर विल की तरफ फेंकता है और अपनी गन से बारबोसा को शूट कर देता है। यहाँ बारबोसा को ऐसा लगता है कि जैक ने अपनी गन की गोली जो 10 सालों से उसने बचाई थी वो वेस्ट कर दी है, लेकिन तभी विल भी अपने पास मौजूद कॉइन पर अपना खून लगाकर एस्टेक के खजाने में डाल देता है, जिससे अब एस्टेक का खजाना पूरा हो जाता है और सारे पायरेट्स का शाप भी हट जाता है और अब गोली लगने की वजह से बारबोसा की भी यहीं पर डेथ हो जाती है। यहां बाकी पायरेट्स भी अब अपने आप को शाप से मुक्त देख के खुद ही सरेंडर कर देते हैं ताकि नॉरिंगटन और बाकी सिपाही उन्हें ना मारें। यहीं एलिजाबेथ जैक को ये बात बताती है कि गिब्स और उसके लोग ब्लैक पर्ल जहाज को लेकर यहाँ से जा चुके हैं। अब इसके बाद हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ इंग्लैंड की सरकार जैक को फांसी पर लटका रही होती है और ये सारी चीजें एलिजाबेथ को काफी गलत लगती हैं। तभी विल को गिब्स के साथी का पैरट यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है, जो देखकर अब विल एलिजाबेथ के पास आता है और उसे नॉरिंगटन के सामने ही प्रपोज कर देता है और यहाँ पर विल जैक को फांसी लगने से भी रोक देता है और किसी तरह से जैक को आजाद कराकर उसके साथ ही यहाँ से भागने लगता है। मगर अब तभी सारे सैनिक इन दोनों को घेर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर विल नॉरिंगटन से जैक को मारने से मना करने लगता है। मगर ये देखकर नॉरिंगटन विल पर भी तलवार तान लेता है और ये देखकर एलिजाबेथ बीच में आती है और अपने डैड और नॉरिंगटन को ये बता देती है कि वो विल से प्यार करती है और ये बात सुनकर एलिजाबेथ के डैड अपने सैनिकों से हथियार नीचे करने के लिए कहते हैं।
यहाँ जैक भी अब गिब्स के तोते को यहाँ पर देखता है और समझ जाता है कि गिब्स अपने साथियों के साथ उसे बचाने यहाँ पर आ चुका है। और जैक विल और एलिजाबेथ को बाय बोलकर पानी में कूद जाता है, जहाँ पर ब्लैक पर्ल जहाज पहले से ही उसे लेने के लिए यहाँ आ चुका था। इस तरफ अब नॉरिंगटन भी ये समझ जाता है कि जैक और पायरेट्स की तरह बुरा नहीं है और उसे बस हालातों ने पायरेट बनाया है। इसी वजह से अब नॉरिंगटन अपने साथियों से जैक का पीछा करने से मना करता है। और यहीं पर अब एलिजाबेथ विल से शादी करने के लिए बोलती है और उसे किस करने लगती है। इस तरफ जैक भी अपने ब्लैक पर्ल जहाज पर वापस आ जाता है और अब जैक दोबारा से ब्लैक पर्ल जहाज का कैप्टन बन चुका था। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी इस मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।